Hello and welcome. So we are going to learn about the concept in maths, skip counting. Skip counting, जैसा कि नाम है, skip करना यानी छोड़ देना किसी चीज को. For an example, there are few fruits kept here. यहाँ पे कुछ fruits रखे हुए हैं, जैसे कि banana, apple, mango and other few fruits. Now, सबसे पहले क्या है? Banana. Banana के बाद क्या है? Apple. लेकिन मुझे apple नहीं पसंद. So, what I will do? I will skip this. मैंने banana उठाया, apple को skip किया और उसके बाद मैंने क्या उठाया? Mango. तो, जो fruit मुझे पसंद आई, मैंने उसे ले लिया, बाकी सबको स्किप कर दिया. सो किसी चीज़ को छोड़ देना स्किप होता है. वैसे ही जब हम ये स्किप काउंटिंग करेंगे तो आज जो हम करने वाले हैं वो स्किप करना है हमें ट्यूज. सो वी आर गोइंग टू डू द स्किप काउंटिंग ऑफ ट्यूज. ट्यूज यानी जैसे हमारे यहाँ पर कुछ नंबर कटआउट्स रखे हुए हैं. तो सबसे पहले क्या है? ज़ीरो. ज़ीरो के बाद क्या है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ तक करते करते टिल 20, यानी 1 to 20 है. अब हमें कहा गया है कि वी विल गोइंग टू डू स्किप काउंटिंग ऑफ ट्यूज, यानी सेकेंड वाला नंबर, शुरू से जो सेकेंड नंबर आएगा उसको हमें स्किप करके उसकी काउंटिंग करनी है. सबसे पहले हम लोग उसे 0, 1, 2 इन सीक्वेंस में रख देंगे. नाउ लेट्स बिगिन. ये स्टोरी है एक बॉय की और उसके फ्रेंड की. उसको अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए कम से कम 20 स्टेप्स लेने होंगे, यानी 20 कदम जाने होंगे. और ये 20 स्टेप्स काफ़ी बड़े बड़े हैं. और उसके अलावा उसका घर जो है कहाँ है? 20th स्टेप यानी 20वें नंबर पे है. जल्दी भी पहुँचना है. तो अगर वो 0 से 1, 2 ऐसे करके जाएगा तो उसको पहुँचने में देरी होगी, टाइम लगेगी. इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं 2 स्टेप्स लेकर कुछ नंबर्स को स्किप करके जाऊँ. तो यहाँ पर ये बॉय ने सोचा कि वो 2 नंबर, यानी कि जहाँ वो खड़ा है वहाँ से वो सेकेंड नंबर में जंप करके चला जाए. तो ऐसे अगर जाएगा वो तो बहुत जल्दी पहुँचेगा. तो उसने कहाँ से शुरू किया? नंबर 0 से. 2 यानी सेकेंड, यानी दूसरा नंबर. यानी अगर आप यहाँ हैं तो एक, ये क्या है? 0 के बाद 1, दूसरा नंबर क्या है? 2. तो इसको छोड़ के 1, तो उसने कहाँ गया? सीधे 0 से 2. 2 के बाद फिर से उसे दूसरे नंबर आगे जाना है. तो 2 के बाद ये क्या है? 3, दूसरा नंबर क्या है? 4. तो वो जंप करके गया 4 के पास. 4 के बाद क्या है ये? 5, दूसरा नंबर क्या है? 6. वो जंप करके कहाँ गया? 6 नंबर पे. उसके बाद फिर से 7 पे तो नहीं जाएगा. 7, 8, यानी 6 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? 8. 8 के बाद 9, दूसरा नंबर 10. तो वो सीधे कहाँ गया? 10 स्टेप में. उसके बाद फिर से वो 11 को छोड़ के स्किप करके दूसरा नंबर 12. फिर से उसने फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड नंबर यानी दूसरे नंबर 14 पे गया. देन 15 को छोड़ के 16 पे गया, यानी 14 से डायरेक्ट 16. उसके बाद फिर 16 के बाद 17, सेकेंड नंबर क्या है? 18. तो 18 के पास अब वो बस पहुंचने ही वाला है. तो वो क्या किया? 18 के बाद 19, एंड दूसरा नंबर क्या है?
20 वो अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया। तो बॉय ने क्या किया, उसने 2's नंबर को स्किप किया। 2's नंबर यानी कि जहां है वहां से सेकंड नंबर पे जाना, जो नंबर पे रहेंगे उसके दूसरे नंबर पे, वहां से काउंट करने के बाद, यानी जीरो के बाद सेकंड नंबर कैसे आएगा, जीरो के बाद 1, 2, 2 आ गया। तो हम लोग 0 से 2, 2 से देन सेकंड नंबर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। इस तरह से करके हम लोगों ने स्किप काउंटिंग किया बाय टूज। ओके, इसको आप घर पे करने के लिए क्या करेंगे, और भी बड़े साइज के कर लेंगे बच्चों के लिए, और भी बिग साइज के बनाने हैं, और आपके फ्लोर्स पे जमीन पर इसको नंबर को 0 से 20 तक रखना है। एंड दे विल स्किप बाय टूज, यानी सेकंड नंबर पे वो स्किप करेंगे। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से उनको स्किप काउंटिंग बाय टूज क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।